वेलकम बैक टू सॉर्टिंग एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। इवन आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो या फिर फ्रेश स्टूडेंट हो, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, अभी तक नहीं आई है, तो ये आपके लिए काफ़ी ना काफ़ी बेनिफिट वीडियो ये साबित होगा। क्योंकि यार इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा जो आज के पहले मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बताया आपको शेयर करूंगा, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार चैनल को देख रही है, सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। वीडियो को हमारे जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग मोर टाइम। सीधे चलते अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ गए हैं और जैसा कि आपको इंट्रो बताया, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा शायद मैंने पहले आपको नहीं बताया होगा, लेकिन दोस्तों आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उतना इफेक्टिव वे में आप समझ पा रहे होंगे और आई थिंक मैंने समझा पा रहे होंगे, पहले समझा पा रहा हूँगा मैं, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट के कंप्लेन थे कि सर मैं अपना कंप्लेन कहाँ रजिस्टर करूँ, हमारे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का पेमेंट नहीं आया या डिले हो गया, तमाम प्रकार की इश्यूज थी। मतलब कि जो भी आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जितना भी आपका बर्डन है, जितना भी आपका प्रॉब्लम है, जितनी भी आपकी कंप्लेंस है, वो आप कहाँ रजिस्टर कर सकते हो, वो रजिस्टर के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको पता है कि अधिकारी कोई ना कोई यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, वो अलर्ट होंगे, वो कौन है, उनका कहाँ से डिटेल्स मिलेगा। होता कुछ ऐसा है कि दोस्तों हमारी प्रॉब्लम कुछ और होती है, हम किसी और को मेल कर रहे होते हैं, हमारी प्रॉब्लम कहीं और होती है, कोई और ऑफिसर देखता है और हम कहीं और मेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि आप मेल करते हैं किसी और जगह और वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि बेटा आप यहाँ पर मेल करिए, इनसे आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए, इस तरीके से उनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर मेल आगे आपको मेल दिया जाता है ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। स्टिल मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको ये वीडियो आप अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मुझे ज़्यादा इस एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं है इसमें। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिस स्टूडेंट चाहे फ्रेश स्टूडेंट और रिन्यूअल स्टूडेंट, अभी जानते हो कि आपको अपडेटेशन का वर्क बिल्कुल भी स्टॉप हो चुका है, काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है, कब तक किया जाएगा, इसका रियल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। कैसे आप पता कर सकते हो, इसी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं, इंग्लिश वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे आ गई। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल करता है ये गाइडलाइंस को, जब इसमें सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कौन करता है, तो इसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे लास्ट में आप लाइन यहाँ पे देख पा रहोगे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो कि एनी ग्रीवेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग डिले इन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन शुड बी डायरेक्टली सेंड और एड्रेस टू द स्कीम ओनर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर अवेलेबल अंडर सर्विसेज सेक्शन ऑन द पोर्टल। मतलब कि इसका कहने का मतलब यही हुआ, शुद्ध मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी या फिर आपका डिले हो रहा है एप्लीकेशन में या फिर अपडेटेशन वर्क नहीं हो रहा है, इस तरीके के जो भी आप प्रॉब्लम होंगे तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इन्होंने बताया है, आप अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर उनका यहाँ पर निवारण जरूर आपको होगा। वो जितने भी नोडल ऑफिसर या जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बैठे होते हैं कि आपका कंप्लेन आए उसका यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। तो चलिए हम देखते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वो कहाँ मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे, आपने आई थिंक पहले किया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है ताकि आपको एक प्रॉपर वे में आप करोगे तो रिस्पांस जरूर मिलेगा। यहाँ पे आओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा स्कीम वाइज, यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो ऑफिसर कॉर्नर है, ऑफिसर आपको पता ही है, इसमें आना है स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर लिस्ट के नीचे यहाँ पे जो मिलेगा स्कीम वाइज ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे एक बार पूरा आप कंप्लीट वॉच कर लीजिए तो इस तरीके के यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या स्टेट आपको लगभग 61 to 62 यहाँ पे आएंगे, जहाँ से आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो डिपार्टमेंट हो सकता है, अगर डिपार्टमेंट आप प्री मैट्रिक वगैरह हैं तो, या फिर अगर पोस्ट मैट्रिक या मेरिट कम है तो आपकी मिनिस्ट्री हो सकती है, या फिर स्टेट स्कीम जैसे कि त्रिपुरा हो गया, अगरतला हो गया या फिर यूटी हो गया, जितने भी हमारे स्टेट की स्कीम है उसके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस स्कीम के तहत किससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, एक बार में अगर कॉल नहीं लगे तो आप टाइमिंग चेंज करके भी कर सकते हो, यहाँ पर दो बार तीन बार। बाकी ये जो मेल
मेल एड्रेस है ना 110% वर्क करता है। हाँ, एक हफ्ते बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स आया, दो हफ्ते बाद आया, लेकिन डेफिनेटली रिस्पॉन्स आता है। उसी मेल एड्रेस से आपको करना है जो मेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को फॉर्म फिलअप करते हुए। तो ये मेल एड्रेस आप देख पा रहे हो, जैसे कि मान लो मेरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का यहाँ पे मेरिट कमीशन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज है ऑल इंडिया लिखा है, पूरे भारत के, मतलब पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं चाहे वो यूटी के ना हो, यूटी भी हो, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, प्रणव मित्तल सर से। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन ऑफिसर है, यहाँ पे देख पा रहे हो इनका लेवल अभी एन ए लिखा है, लेकिन इनके टेलीफोन नंबर और ईमेल आपको मिल गया, prematricmma@nic.in, इस तरीके के ऑफिसर्स है। जो स्टेट नोडल ऑफिसर है ना, तो वो भी इसी से बात करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट नोडल ऑफिसर इसी मेल का यूज करते हैं, यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो आप सभी स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे कि आपको किन को मेल करना है। अब ये नहीं कि आपका यूपी के हो या फिर बांदा जिले के हो या फिर इस जिले के हो या प्रयागराज के हो, जहाँ भी मतलब, या फिर छत्तीसगढ़ के हो, कहीं से भी हो, ऑल इंडिया के अगर हो, फिर भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका AICTE स्कीम है, इसमें आप स्कीम से चेक कर सकते हो, AICTE डिपार्टमेंट है, नीचे आप और भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड में, कुछ किसी का नंबर नहीं होगा, किसी का यहाँ पे मेल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो एक बार फिर से मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चीज़ें बता देता हूँ, अगर सपोज डेट आपका यहाँ पे स्टेट से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको मिनिस्ट्री पे जाना है तो मिनिस्ट्री पे क्लिक करोगे, स्टेट पे क्लिक करो, डिस्ट्रिक्ट पे, जोन पे, जोन वही होते हैं जैसे कि आप बेसिकली यहाँ पे जम्मू कश्मीर ले लद्दाख वाले स्टूडेंट ही जोन सेलेक्ट करेंगे, अदर क्योंकि हमेशा जम्मू और कश्मीर वाले स्टूडेंट के लिए ये शिकायत रहता है कि सर हमारा स्टेट नोडल ऑफिसर का यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं दिखेगा क्योंकि आप जोन वाइज आपका यहाँ पे हो चुका है, तो आप जोन पे क्लिक करके अपना स्कीम सेलेक्ट करिएगा मिनिस्ट्री, देन आपको यहाँ पे सारी रिजल्ट मिलेगी। तो एक सही वे में आप करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। लास्ट में बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सबसे पहले कि यहाँ पे प्लीज चेक अनाउंसमेंट कॉर्नर रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। इसके नीचे लिखा है फॉर टेक्निकल क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क, और ये मोबाइल नंबर, मतलब कोई भी टेक्निकल क्वेरी, जैसे कि आपका एप्लीकेशन में यहाँ पे अपडेट बैंक एक और एक योर अकाउंट का ऑप्शन आ गया और आप कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, ही नहीं रहा है, या फिर आपका मतलब मैसेज आ गया वेरीफाई नहीं हुआ, इस तरीके के जितने भी काम होते हैं ना वो इस नंबर पे काम करते हैं या फिर इस मेल पे। बाकी आप इनसे पूछोगे कि मेरा पेमेंट नहीं आया, मैंने इस तरह कैसे रिन्यूअल किया, क्या मैं फ्रेश कर सकता हूँ, इस तरीके के कोई भी अगर आप क्वेश्चन करते हो तो लिटरली आपको बता रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको यहाँ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे जो हमारे होते हैं कस्टमर केयर वाले, जो वो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज होता है तो शेयर कर देते हैं, बाकी जिनको नॉलेज नहीं होता वो बोलते हैं कि हेल्प डेस्क पे आप मेल कर दीजिए। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, इस पे आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ऑथेंटिकेट, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना, मैंने बता दिया कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आओगे तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका एप्लीकेशन डिले होता है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये मैसेज जो फ्लैश हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप अपने जो भी मिनिस्ट्री का नंबर है उसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी ये लोग आपको नहीं बताएंगे। बाकी अभी आपका क्या प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।